ग्राम पनवाड़ तहसील कराल में आदिवासी और मंदिर के पुजारी की जमीन पर भूमाफिया खुलेआम अवैध कब्जा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस मामले में प्रशासन पूरी तरह खामोश नजर आ रहा है। वही बताया जा रहा है कि कई बार स्थानीय निवासी ने इस मामले में जिले के आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन इस पर भी प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने से दूर भाग रहा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक संपूर्ण समाधान दिवस में तहसीलदार SGM से लेकर सभी जिम्मेदार अधिकारियों को सरकारी जमीन पर हो वह अवैध कब्जे से अवगत कराया गया, लेकिन इस पर किसी प्रकार का गंभीर विचार नहीं किया गया और कोई कार्यवाही फिलहाल नहीं हो पाई है। शासकीय जमीन को अवैध कब्जेदारों ने अपने हिस्से में ले लिया और प्रशासन इस पर भी मुखदर्शन बना हुआ है और भूमाफिया पर कार्यवाही करने से कतरा रहा है, जिसकी वजह से भूमाफिया आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की अधिकारी मामले में जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात जरूर कर रहे हैं। से भैया जाता है तो अमन को तो नहीं आन दिया, बस अमन से न भगा दे तो भाई तुम्हारी जमीन कहाँ है, हमारी जमीन है, बस अमन को बतरान नहीं दिन दिया दो हमारी बस 11 बीघा पूरी बैंक हाँ ते आप ते तो अमरी तो बते का ये हाल तो अमन पे अब कितने जो सरे आप तो 2 बीघा बस और बस 2 बीघा है अब तो। मैं पूछ कर बेगाए रिपोर्ट कर बेगाए तो बिना नौका ही भाई तुम्हारी जमीन कहाँ, जमीन तो हमारी है हमारा कलैया का जगरा पैसे तो बिना नौका ही का जगरा जाना और तू जाना भाई चौधरी हम का मतलब है हमारी जमीन है तई हम जा रहे हैं और का तहसीलदार से शिकायत की कभी? हाँ क्या बोलते हैं अब पता नहीं अब भगा देता हम कहा थे भगा देता चाहता थे हाँ अब प्लस को चाहता तो वही भगा देता भाई तुम लोग कहा धारो क्यों आ रही है तुम है सके भाई साहब हम कहा करा अब मैंने कि हम कहा कर का काम है तू तो खाली है हमारी जमीन है हमारी जमीन दबंग में दबी हुई है अभी तक हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ और जगवीर जाट वो जैसे हरियाणा का रहने वाला वो हमका ये दाब दौंस देता है, किसी के पास कोई पैसे की कोई कमी नहीं है और वो हमको मानने के लिए कोई कोई सी टाइम पे हमको मार सकता है, मेरे बेटे को मार सकता है, मुझे मार सकता है और अमरी अभी तक आवेदन हरिजन थाने में दे दिया, तहसील में दे दिया, थाने में दे दिया, कराल थाने में, सुपर थाने में, हरिजन थाने में कुछ कार्रवाई नहीं आज तक और ना आते हो और थाने में बला को भजा देते और थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। जे आदिवासी हो कि हमारी जमीन फ्रंट रोड पर मेरी है डेढ़ 2 बीघा जमीन उसको जगवीर और क्या नाम पताशी देवी ने क्या नाम से वहाँ बोर करवा लिया है इस आदिवासी की ज़मीन में उससे वो फसल कर रहे हैं और शासकीय ज़मीन को भी जोत रहे हैं वो क्या नाम हरियाणा का रहने वाला है जगवीर जाट यहाँ सिलपुरी पे भी उस पर ज़मीन है क्या नाम है आपके जे ससनवाड़ी पे ज़मीन है आपकी उस पर क्या नाम से जे बनार में भी उसकी ज़मीन है पनवाड़े में ज़मीन है बंजारा एक सूखा को यहाँ की जो ज़मीन अभी हमारा विवाद चल रहा है वो ज़मीन को बहुत सूखा को दे दी है वो कर रहा है खुद नहीं कर रहा है रिवाल्वर लेके आता है हम पे आकर दिखाता है हमको दिखाई है रिवाल्वर जाके ये बताते हैं कि जाके खुद की रिवाल्वर है अब ये पता नहीं है वो फर्जी है कि इसकी जब रिवाल्वर है हम डरते हैं अब क्या करें हाँ पट्टे निरस्त हो गए लेकिन क्या नाम है वो तो जेले के काम चल रहा है हाँ सर जो इसका लोअर के कोर्ट का जो एसटी है उसको पुलिस और तहसील मानती है बाद बाकी का क्या नाम है हमारा जो हाई कोर्ट का एसटी है उसको वो क्या नाम से कागज का टुकड़ा मानते हैं जिस पुलिस वाले और क्या नाम से 27 तारीख को 26 तारीख को तो क्या नाम से जमीन जोत रहे हैं वो जगवीर और पताशी देवी और क्या नाम से 27 को थाने में जगवीर सिंह और पताशी देवी उसकी पत्नी
दोनों का नाम से दीवान और दरोगा के संग और क्या नाम से आपका तहसीलदार के संग में, तहसीलदार के यहाँ भी गया कि सर हमारी ज़मीन जोत गया। बोले कि आदिवासियों की ज़मीन जोती है, आपके यहाँ लफड़े में पड़ रहे हैं इसमें। तो मैंने कहा साहब मेरी ज़मीन जोती है, उसने मेरी भी जोत चुकी है, वहाँ टपरिया बना ली है और तुम कह रहे हो कि मैं कि बोले कि मैंने फिर उससे पूछा मैंने कि तहसीलदार से कि साहब इसका निराकरण कुछ है कि नहीं है। बोले 2 महीने हो गया। मैंने कहा मुझे जैसे मैं इस फाइल को मैंने कही क्या मैं भी पैसा चल रहा है, अब क्या करें, हम बैठे हैं घर पर।